तो जगत की माँ आप सभी के बीच आई है, तो सभी को गानी और कहना है, बस घुटनों पकड़ के कोई ना बैठे। जी जी, मैंने अभी बहुत तेज, इसकी आवाज तो बहुत दूर तक जा रही है, घुटनों पकड़ के मत बैठना, वरना मुझसे मत कहना आपके घुटनों आपके पास से हट जाए, इसलिए खोल के बैठो और इस बिंदी को आपको गाना है और कहना है क्या, हो चलो बुलावा आया है, हो चलो बुलावा आया है, हो चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, क्योंकि कुछ भक्त अपने घर पे सो रहे होंगे, क्योंकि उस पर इस माँ की मेहर नहीं हुई है, आप सभी सोए वही नहीं है, आपको माँ ने बुलाया है, तो आप इस भजन पे इस माँ को बुलाएं और कहें, हो चलो बुलावा देवी आप सभी को दर्शन देने आएगी, बस इसको बोलिएगा चलो बुलावा, जरा प्रेम से बोलो, हो सारे बोलो, हो आते बोलो, हो जाते बोलो, माँ कष्ट निवारे, माँ पार उतारे, देवी माँ भोली भर दे झोली, हो जय माता जी, हो जय माता जी, जय माता जी, हो जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय जय जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, जिसने जितना नो कह रही है, पंडित जी ने मेरे नाम रखो ही ना है, बेनाम क्यों मैं, ये गुप्त अरदास आई है माँ के चरणों में, माँ की बेटी की, मगर मुझे नाम बोलना पड़ता है, इस भेंट पर बोलना पड़ेगा, लांगुरिया पे नहीं बोलूंगी, मगर ये भेंट आपकी ओर से आई है माँ, बोलिए जय माता दी, सारे बोलो मिलकर बोलो, लोग की अरदास आई है और 10 रुपए हमारे बड़े भैया की आई है और ये 10-10 रुपए माँ के शेरों की आई है, माँ जहाँ से ये खजाना आया है उनके 10 लाख बनाना, क्योंकि ये अरदास जो आप दे रहे हो माँ वैष्णो देवी की, उन भक्तों की अरदास जाएगी, आइएगा जरा प्रेम से बोलो, हो सारे बोलो, हो आते बोलो,
और ये 10 रुपए की अरदास माँ के बेटे की आई है और ये 50 रुपए हमारे बड़े भाई की अरदास है। और भक्त कह रहे हैं क्या, ओ मेरी मैया ने कैसी सौदा देरी, जागरण के लिए सारी रात देरी, जागरण के लिए सारी रात देरी, ओ मेरी मैया ने, ओ मेरी मैया ने, मेरी मैया ने कैसी सौदा देरी। और 10 रुपए की अरदास, नाम बताइए इस पे अरदास में नाम बोले जाएंगे, राम प्रकाश अनु सरगे, आइए उन्हें बोलन दीजिए, आप सभी बोलिए माँ की सेवा में पहुंचा रहे हैं। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अतुल भैया दिवाकर की ओर से ये 50 रुपए की और 100 रुपए की अरदास आई थी और 10 की ये हमारे भोला भैया की दूसरी अरदास सोनू भैया की, भैया सोनू, और ये 100 रुपए की अरदास और उनको भला ही भला कर जो भी बन नाम के चन्नो तक ये 10 रुपए की अरदास और ये 10 रुपए की अरदास हमारी इनकी आई है माँ भंडार भरना और नाम ये 10 रुपए की अरदास एक जल की अरदास माँ के शुभ चन्नों के पास 50 रुपए की, नाम बता दे, ये छोटे भैया की अरदास आई है और ये हमारी भाभी की 10 रुपए की अरदास, क्या नाम है भैया, कोई नाम ना बता रहा, पंडित जी है ना क्या नाम में, ये सभी अरदास माँ के चरणों के पास आ रही हैं, ये 10 रुपए की अरदास माँ की सेनियों की आ रही हैं और कह रहे हैं भक्त माँ के ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति जलाते चलो। और ये हरिओम भैया गोमत वाले प्रधान जी की अरदास 200 रुपए की माँ के चरणों के पास, माँ जहाँ से ये खजाना आया है, भैया कृष्णा भैया जाए खोल दो भैया, और देखिए आप उठ नहीं सकते तो थोड़ा सा खिसक के आयो क्योंकि लांगुरिया पे मैं छीन के लूंगी, मगर इस भेड़ पर आप खड़े होके देने आओ तो अच्छी बात है। और ये 10 रुपए की अरदास हमारी भाभियों की आ रही है, माँ जहाँ से ये खजाना आया है 10 लाख बताना, और ये हमारे छोटे छोटे भैया की और एक भैया की अरदास और आई है माँ के चरणों के पास, सभी के यहाँ से आ रही है और कह रहे क्या, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, हो राह में आए जो दीने दुखी, हो राह में आए जो दीने दुखी, हो सब तो की अरदास मुकेश भैया की, ये मेरी नहीं भंडारे में जा रही है, हाँ। और ये देखिए वो इंसान देगा ये अरदास जिसका मन करे, किसी से जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि माँ के दरबार में जितनी बेटियों ने अरदास कराई है एक संकट हम सब पर आया था, आपको याद होगा एक संकट कौन सा था, याद है कौन सी बीमारी आई थी जिसमें हमारे अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, हाँ कोरोना, और कोरोना कहता है इन भैया से, हाँ एक बीमारी ऐसी आई कि हमने अपनों के साथ भी अपने के साथ भी दूर रहना चाहा, हाँ उसका नाम था कोरोना, हमारे भैया सही बोले, ताली बजा दो उनके ताई, उन्हें पता है इस बीमारी का, जिसमें हम इस बीमारी से लड़े थे, मंदिर भी बंद हो गए थे, जिसमें हमने माँ के दर्शन नहीं करे हम पे, हाँ ऐसे संकट आए थे हम पे कि हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था उस टाइम, हमने इस मैया से आस लगाई
योगेश योगेंद्र, क्या बात है। ये अरदास माँ के चरणों में आ रही है, बिगन नाम की माँ, और कह रही है क्या, माँ के दरबार में एक बेटी आई। सुनिएगा, ये बड़ी प्यारी बात है, अरदास क्यों लगवाई जाती है। माँ के दरबार में एक बेटी आई जिसकी 14 साल से झोली नहीं भरी गई। रोने लगी, कहने लगी, मैया मैं हर रोज तेरी सेवा करती हूँ, तेरी पूजा करती हूँ, और पता ना मेरी कब सुनेगी। माँ के कदमों से लिपट गई, कहने लगी, माँ तू भी तो एक माँ है माता, माँ ही माँ तो पहचाने, तू भी तो एक माँ है माता, माँ ही माँ को पहचाने। बच्चों का दुख क्या होता है ये, और कोई ये क्या जाने, बच्चों का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। आखिरी अरदास आई है, नाम बताइए। हरवीर भगत जी की ओर से ये वीर विश्व की अरदास। आपका नाम क्या था आपने दीदी? ये गुप्त अरदास। हाँ, ये दो अरदास सुन गई, ये 50 रुपए की अरदास, गुप्त अरदास माँ के चरणों के पास, और ये 20 रुपए की हमारे बड़े भैया की ओर से। आइए, ये आखिरी अरदास थी सबकी। अब दोनों हाथ उठाओ सीधे वाले, माँ के हाथों में ये लकीरें दिखानी है आपको, जो मिटवाना चाहते हैं उठाओ। माँ से यही विनती करो, माँ हमारा एक बार तो लॉकडाउन में इतना बुरा हाल था, मगर दोबारा ऐसा कुछ ना हो। आइएगा, उठा के दोनों हाथ, हो चलो बुलावा आया है, 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 हो माता ने दरबार की जयकारा मंदिरा वाली का बोल साते दरबार की। आइएगा, झूमना नहीं है, नाचना नहीं है, एक भजन छोटा सा और।